नमस्कार फोरसाइट्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। चीन झटपट आने लगा है। जी हाँ, चीन इस वक्त झटपट आने लगा है। जिन मार्केट्स में चीन के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात के किले को भारत ने गिरा दिया है, उनमें ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। इन दोनों ही देशों के साथ चीन का भू राजनीतिक तनाव बढ़ने का फायदा भारतीय प्रोडक्ट्स को मिल रहा है, तो आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। आत्मनिर्भर भारत के असर से न केवल भारत में दूसरे देशों से आयात घटा है, बल्कि भारत अब निर्यात के मामले में कई मार्केट्स में चीन को पीछे छोड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि भारत ने कुछ प्रमुख बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में चीन के दबदबे को कम करना शुरू कर दिया है। इससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग की स्पीड बढ़ी है, जिसका फायदा निर्यात में इजाफे के तौर पर देखने को मिल रहा है। जिन मार्केट्स में चीन के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात के किले को भारत ने गिरा दिया है, उनमें ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। इन दोनों ही देशों के साथ चीन का भू राजनीतिक तनाव बढ़ने का फायदा भारतीय प्रोडक्ट्स को मिल रहा है। लंदन स्थित फैथाम फाइनेंशियल कंसल्टिंग के मुताबिक चीन के अनुपात में अमेरिका को भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात पिछले साल नवम्बर में बढ़कर 7.65% हो गया, जबकि ये नवंबर 2021 में 2.51% था। वही ब्रिटेन में ये बढ़ोतरी 4.79% से बढ़कर 10% हो गई है। हालांकि मैन्युफैक्चरर्स के लिए भारत ऐसे ही चीन का विकल्प नहीं बना है। इसकी मुख्य वजह भारत सरकार से देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स को मिल रही रियायतें हैं, जिनमें शामिल है टैक्स बेनिफिट्स, आसान भूमि अधिग्रहण और कैपिटल सपोर्ट। सरकार इससे मैन्युफैक्चरर्स को लुभाने में कामयाब रही है, जिससे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बूस्टर डोज मिली है। देसी कंपनियों ने बाहरी कंपनियों से करार करके अपनी ग्लोबल पहुंच को भी मजबूत किया है। स्मार्टफोन के मामले में देखें, भारत में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। वहीं एप्पल अपने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप और पेगाट्रॉन कॉर्प के जरिए भारत में अपनी सभी आईफोन का कम से कम 7% बनाती है। भारतीय कंपनियां MNCS की चीन प्लस वन रणनीति में अपना रोल निभा रही है। इसके तहत मैन्युफैक्चरर्स दूसरे देशों में बैकअप क्षमता विकसित कर रहे हैं। भारत की बढ़ती बाजार हिस्सेदारी मेक इन इंडिया योजना को भी सफल बना रही है, जिससे नौकरियां और निर्यात बढ़ने के साथ ही आयात में भी कमी आ रही है। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।